अक्सर हम सुनते हैं कि नसों में सूजन आ गई और उसके बाद बीमारी शुरू, लेकिन ये बात यहां तक नहीं ठहरती। नसों की सूजन की वजह से इंसान की जान जा सकती है और यही नहीं, शरीर के कई अंग काम करना भी बंद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या? नया इसमें ऐसा है जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे, भारत में पहली बार, विदेशों में तकनीक है लेकिन भारत में पहली बार इसको लेकर गाइडलाइंस बनी है। जी हाँ, भारत में पहली बार। जब हम पहली बार शब्द यूज करते हैं तो जहन में कई सवाल भी आते हैं कि आखिर अब तक पहले क्या था। भारत में पहली बार ये गाइडलाइंस बनी है। देश के जाने माने रेमेटोलॉजिस्ट हैं पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर अमन शर्मा की देखरेख में ये काम हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर अमन शर्मा। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक और स्वागत है कि पहली बार जब मैं वर्ड सुनता हूं और आपकी देखरेख में हुआ है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, नसों की बीमारी, गठिया, आप अक्सर हजारों लाखों पेशेंट देख चुके हैं, लेकिन अब तक गाइडलाइंस की बात करें, वास्कुलर की आप बात कर रहे थे, ANCA, आखिर ये शुरुआत कब हुई, कब लगा कि भारत में ये चीज होनी चाहिए, विदेशों में पहले से था, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये जो वैस्कुलाइटिस है, जैसे नसों की जो सूजन होती है, इससे बहुत डाइवर्स, एकदम से बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लंग्स हो जाते हैं, किडनी हो जाती है, गठिया भी हो जाता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, ब्रेन, नर्व्स सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले तो ये यूनिवर्सली फेटल होती थी। अगर हम 25-30 साल 40 साल पहले देखें तो जो भी, जब ये बीमारी होती थी तो डेथ वॉज ऑलमोस्ट सर्टन इन लार्ज मेजोरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स। धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ, 70s 80s में उसकी थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन हुई, इस सदी के आते आते उसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हुई और कुछ नई दवाइयां आई। जब दवाइयां आई और ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ तो विदेशों में इसकी गाइडलाइंस बनी और कुछ, जिसमें कि उनका अपना कॉन्टेक्स्ट था वो, कि क्या एविडेंस है, क्या रिसर्च है। बट हमें लगा कि हमारे को इंडिया में हमारे पेशेंट्स के हिसाब से एविडेंस बेस्ड, कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, बाकी साइड इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए, कि अपने रीजन सेंट्रिक गाइडलाइंस की एक कमी महसूस हुई, क्योंकि कुछ एक ऐसी नई दवाइयां आई थी जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट थी, वो हमारे मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो अगर कोई गाइडलाइन पड़ेगा तो शायद ये सोचेगा कि वो दवाइयां का यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसको लेके हमने एक एफर्ट शुरू किया कि हम अपनी गाइडलाइंस बनाएं। तो 2019 में हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक ग्रेड मेथोडोलॉजी होती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, बिकॉज इफ यू हैव टू डू अ जॉब, वी हैव टू डू अ जॉब ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि जो भी हम गाइडलाइन बनाएं वो एक इंटरनेशनल मापदंड पे खरी उतरे। तो उस जो एक प्रिंसिपल्स को लेते हुए, जो इंटरनेशनली लेड डाउन प्रिंसिपल्स हैं गाइडलाइंस के, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए बड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से हमने गाइडलाइंस बनाई, जो कि, और हमने अपने सारे फैक्टर्स भी अपने ख्याल में रखे कि हमारी पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या वो, इफ वी कैन, अगर वो इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक ट्रीटमेंट के साथ भी आउटकम्स अगर अच्छे हैं तो उनको भी इनकॉर्पोरेट किया, ताकि मरीजों का भला हो और उनकी जेब का भी ख्याल रखा जाए। सर, एक मैं यहां रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात की और विदेशों की जो दवाइयां थी महंगी थी, इस तरह के पेशेंट भारत में भी नेचुरली आप रोज देखते हैं, तो अभी तक क्या मेडिसिन चल रही थी, अभी तक किस तरह की दवाइयां दी जा रही थी? और पीजीआई की बात करूं, देश का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक चीज ये है कि हम एंका वैस्कुलाइटिस की बात कर रहे हैं, उसमें इंडक्शन में कुछ गाइडलाइंस, जैसे अमेरिकन कॉलेज की गाइडलाइंस बोलती थी कि एक इंजेक्शन लगता है जिसको रिटक्सिमैब बोलते हैं, बट एक उसका इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव है साइक्लोफोस्माइड, जो कि इक्वली इफेक्टिव है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। और दूसरा ये था कि एक नई दवाई आई थी, हम स्टेरॉइड यूज करते हैं उसके साथ एक नई दवाई आई थी एवकोपेन, वो विदेश में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा अगर विदेश से मंगवाई जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो उन चीजों, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और एफिकेसी को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर हमने टेलर्ड गाइडलाइंस बनाई है। ये नहीं है कि हम पैसे नहीं खर्च रहे तो मरीज की जान चली जाए या मरीज का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है, बट हमने एक गाइडलाइन बनाई है जिसकी हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ दी अवेलेबल रिसोर्सेज करके एक दिशा निर्देश देंगे, जिससे कि मरीजों का, हमारे इंडियंस का, और ये सिर्फ इंडियंस का नहीं, हमारी जो कहानी है सारे डेवलपिंग वर्ल्ड की कहानी है, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन की कहानी है, ये साउथ अमेरिका की कहानी है और जितना भी अफ्रीका की कहानी है, ये हालांकि इंडियन गाइडलाइंस हैं बट ये विश्व के लार्जर ग्रुप जो है, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसके लिए
कारगर साबित होंगे, उनके लिए गाइड हेल्पफुल साबित होंगे। यानी कि अभी तक गाइडलाइन नहीं थी तो डॉक्टर्स अपने तरीके से और जो विदेशी गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं जो आपकी ये जर्नल प्रकाशित हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम विश्व को भी कुछ दें, और भारत कहा जाता है कि विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आप की जो ये स्क्रीन है थोड़ा बताएंगे कि जो आपने ये प्रकाशित जब हुआ जर्नल और क्या इसके पॉइंट थे और कितने मार्क्स जो आप इसमें देख रहे हो कि एएनसीए वाले में। देखिए ये किसी भी काम की का प्रूफ होता है जब ये पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू मींस अब किसी इंटरनेशनल जर्नल में जब भेजते हैं तो वो ब्लाइंड करके हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे बगैर कई बार उसको पीयर रिव्यू में भेजते हैं। पीयर रिव्यू मींस जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उस पेपर की रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके रिजल्ट्स के ऊपर क्रिटिक करते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमने इसको एक बड़े टॉप इंटरनेशनल जर्नल ऑटोमेटिक रिव्यूज में भेजा जिसके अंदर ये एक्सेप्ट हुआ है, ये ऑनलाइन आ गया है। ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये अभी जर्नल प्री प्रूफ है, अभी फाइनल प्रूफ जो है ये दिस अवेलेबल ऑनलाइन एंड दिस कैन बी साइटेड ऑल्सो। सो इसमें ये आ गया है और ऑटोमेटिक रिव्यूज में रिव्यू के बाद छप गया है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट दे हैव एक्सेप्टेड एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप जर्नल्स इन रूमेटोलॉजी इन द वर्ल्ड। सो नॉट ओनली, और इसके बाद कल से ट्विटर पे भी काफी एक्टिविटी हो रही है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल आर हैप्पी के बिकॉज रीजन सेंट्रिक गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारी जो वी कांट जस्ट फॉलो और एप दी वेस्ट, वी कांट जस्ट फॉलो अमेरिकन कॉलेज और वी कांट जस्ट फॉलो द यूरोपियन लीग, वी हैव टू हैव आर ओन गाइडलाइंस विच आर बेंच मार्क विच मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने देश में अपने लोगों के हिसाब से अपने मरीजों के हिसाब से एक हमारा प्रोटोकॉल हम जब बनाते हैं गाइडलाइंस बनाते हैं। डॉक्टर साहब कितना फायदा देश की 140 करोड़ जनता के बाद अब नए नए मरीज नई नई बीमारियां भी हैं। आपके पास तो ढेरों ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां पर टेस्ट को लेकर बात करें या तमाम चीजें बात करें, इस गाइडलाइन के बाद पीजे ही नहीं मुझे लगता देश और जिस आपने कहा कि पूरे एक ऐसे वर्ल्ड को हमने दे दिया है, कितना आसान हो जाएगा। देखिए इससे गाइडलाइन तो मिलेगी क्योंकि जहां लिखा हुआ है कि सर महंगी दवाई भी यूज कर सकते हो, हम कह रहे हैं नहीं, महंगी का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव भी है। ये तो पूरी दुनिया में इसका जो डेवलपिंग वर्ल्ड में मैं तभी वर्ड यूज कर रहा हूं कि और वो इक्वली इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जो महंगी वाली दवाई है शायद उससे ज्यादा बेटर है। सो ये इक्वली इफेक्टिव चीजें हैं और इसका फायदा तो डेफिनेटली लोगों को होना चाहिए, सारे वर्ल्ड को होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कॉस्ट भी कम आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उससे नेचुरली जब हम कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिकल ऑप्शन भी यूज कर सकते हो तो मरीज की चॉइस है कि वो अगर वो नेचुरली कॉस्ट उससे काफी कम हो जाएगी। 2019 में आपने शुरू की थी जी, आप रोज ओपीडी में हजारों पेशेंट देखते हैं, कितना समय निकाला, रातें भी आपने लगाई होंगी और रिसर्च वर्क जब कहता है ना कि बहुत कुछ मांगता भी है मेहनत। जी इसमें एक्चुअली ये मेरा आइडिया था बट ये इसमें मेहनत बहुत सारे लोगों की लगी है। मेरे दो कलीग्स, एक हमारा मेरे फैकल्टी कलीग हैं डॉक्टर शंकर और हमारा एक स्टूडेंट जो अभी जयपुर में है, उन्होंने काफी लिटरेचर सर्च किया एंड देर वर अदर स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द टीम विच डिड अ लिटरेचर सर्च बिकॉज इट वॉज अ ह्यूमंगस टास्क, इट वॉज अ ह्यूज टास्क। इतनी ज्यादा पब्लिकेशन आजकल आती हैं कि उनमें से ढूंढना, सर्च स्ट्रैटेजी बनाना, सर्च स्ट्रैटेजी से उनके इट्स लाइक फाइंडिंग नीडल इन अ हेस्टैक। तो इतनी ज्यादा पब्लिकेशन होती हैं उनमें से सर्व करना, निचोड़ निकालना, समुन्द्र मंथन जैसा काम होता है। तो उसके बाद फिर निकाला, फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट रोल एक्सपर्ट्स का जो वोटिंग करते हैं कि ये एविडेंस आई है फिर हमने ये करना है या नहीं करना है। उसमें जो हमने सारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें उन्होंने वोटिंग करी है, चाहे वो एम्स न्यू दिल्ली हो या जिपर पॉन्डिचेरी हो या सेंट जॉन्स बैंगलोर हो या हिंदुजा हॉस्पिटल हो, वो सेंटर्स जहां पे एंकावास्कुलाइटिस के मरीज ज्यादा देखे जाते हैं वो सारे एक्सपर्ट्स ने, बैंगलोर से सारे एक्सपर्ट्स ने वोटिंग करी। उसके बाद कंसेंसस बना, उस वोटिंग का मापदंड देयर इज अ प्रोसीजर विच इज फॉलोड। उसके बाद ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग होने के बाद फिर मैन्युस्क्रिप्ट बनी, मैन्युस्क्रिप्ट को फिर इंटरनेशनली हमने भेजा, वो रिव्यू हुई, उसमें रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए, फिर उन कमेंट्स का जवाब दिया गया, उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट हुई और अभी ऑनलाइन आ गई है। ये कुछ ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने जैसा? नहीं ऐसा नहीं है बट इट इज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट कि नॉट ओनली रूमेटोलॉजिस्ट, ये 9.2 बैक फैक्टर जर्नल है विच इज सपोज टू बी अ वेरी जर्नल ऑफ अ वेरी गुड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। और इससे सिर्फ हमारे को फायदा नहीं होगा,
अब ये मरीज नेफ्रोलॉजिस्ट भी देखते हैं जब रीनल फेलियर के साथ आते हैं, ये मरीज पल्मोनोलॉजिस्ट भी देखते हैं लंग हैमरेज के साथ आते हैं, तो ये सिर्फ रूमेटोलॉजी नहीं, ये वाइडर स्पेशलिटीज में भी काम करेगा। डॉक्टर साहब एक किताब पढ़ी है हमारे सामने, इसके जरिए थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा ताकि आम लोग जो समझे आम भाषा में। किताब जो है हमने मैंने 2014 में लिखी थी टेक्स्ट बुक ऑफ वैस्कुलाइटिस, ये इसका सेकंड एडिशन आया है। जस्ट जैसे आप पूछ रहे थे कि इसका ये कैसे प्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, एंका वैस्कुलाइटिस की एक टाइप होती है जिसको ग्रैनुलोमेट्रोसिस पॉलिंजाइटिस या वेगनस ग्रैनुलोमेट्रोसिस बोलते हैं। इसमें आप ये देखिए कि साइनस इन्वॉल्वमेंट होती है, ये नोज का नेजल सेप्टल परफोरेशन हुई हुई है, नेजल कलैप्स हुआ हुआ है, लार्ज ओरल अल्सर्स हैं, बड़े बड़े ओरल अल्सर्स, लंग्स में हैमरेज हो रही है, खून भर गया है फेफड़ों के अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज। बहुत सारे लोग कई बार इसको टीबी मान लेते हैं, पर टीबी नहीं है, कई बार लंग कैंसर समझ लेते हैं, तो लंग कैंसर नहीं है, वेगनस ग्रैनुलोमेट्रोसिस है। फिर आप ये देखें कि इनमें आई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आई की परफोरेशन हो जाती है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये आंख बाहर निकल रही है, आंख जैसे प्रोप्टोसिस हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं बहुत सारे तरह के। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो इन मरीजों को अगर हम टाइम पे नहीं ट्रीट करें तो ये जानलेवा हो सकती है। इसकी दूसरी टाइप होती है माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस, उसमें भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट उसमें भी सेम काफी तरह की सेम इन्वॉल्वमेंट्स हो जाती है, और ये इसमें तो इंटरनेशनल क्रिश्चियन पेन्यू इज इन द फ्रेंच वैस्कुलाइटिस ग्रुप, नाउ ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कैनेडियन वैस्कुलाइटिस फाउंडेशन, ही हैज रिटन अ चैप्टर। इसमें भी अगर आप देखें तो साइनस इन्वॉल्वमेंट है, लंग इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर भी रैशेज भी इन्होंने दिखाए हैं कि स्किन रैशेज भी हो जाते हैं स्कैल्प के ऊपर, स्किन के ऊपर, फिर अगेन लंग के अंदर, हार्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। तो ये सारी चीजें जो है पिक करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक अब ऐसा आपकी टेक्निक क्या है या गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो एक डॉक्टर्स के लिए इजी हो जाएगा, पेशेंट को भी इजी हो जाएगा। पंजाब हरियाणा या नॉर्थ की बात करें, इस तरह के पेशेंट पीजीआई में आप देखते हैं और कितना का रुझान है या बीमारी? वी हैव सीन अराउंड 500 पेशेंट्स, सो अगर 500 पेशेंट्स विद हाई मोर्टेलिटी रेट, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, सो 500 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इवन इफ वी से कि ये रेयर डिजीजेज हैं। नहीं टोटल हमने 500 टोटल लिखे हैं, पर 500 भी 500 जाने तो है ना, तो ये तो है नहीं कि हमने सिर्फ दो मरीज देखे हैं, पांच मरीज देखे हैं, और बहुत सारे मरीज अभी मिस भी होते हैं। अगर पीजे इतने मरीज देख रहा है, रफली हम 70-80 न्यू पेशेंट्स एक साल में देख लेते हैं। तो यही चीज है कि कई बार पेशेंट को भी समझ नहीं आता कि एक कहां जाना है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली, अब अगर नर्व डैमेज हुआ है और यहां ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है तो पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अगर किडनी फेलियर हुआ है तो पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, कई बार स्किन अल्सरेशन है और स्किन के रैशेज है तो स्किन के वाले के पास चला जाता है, आंख वालों के पास बहुत सारे पेशेंट्स पिक होते हैं। हमारे सारे जो कलीग्स हैं दे आर वेरी वेल सेंसिटाइज, दैट इज वाई वी सी सो मेनी पेशेंट्स। सो ऑल दीज पिक्चर्स दैट आई शोड यू सारी हमारी अपनी पिक्चर्स हैं पेशेंट्स की। फाइनली अब एक कहते हैं ना कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया और सभी डॉक्टर्स को भी दे जाएगा। एब्सोल्युटली, एक दिशा निर्देश मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वैसे डॉक्टर अमन शर्मा और एक भारत में गाइडलाइन जो पहली बार आई है नसों की, जो बात करते हैं हम कि नसों में जो सूजन आ जाती है उसके बाद से अलग अलग किस तरह से देखिए अंगों को ये डैमेज करती है, गाइडलाइंस इससे पहले नहीं थी। 2019 में डॉक्टर अमन शर्मा ने इनिशिएट किया, फाइनली अब ये एक वर्ल्ड मैप पे भी आ गई, रिकग्नेशन मिली है और सेहरा बंधा है पीजीआई और डॉक्टर अमन शर्मा के साथ। अब जाहिर है कि मरीजों को अपनी इफेक्ट कॉस्ट इफेक्ट के साथ साथ इलाज भी बेहतर और मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।